सो आई गेस ऑल ऑफ यू हैव वॉच्ड द वीडियोज। सो पहला जो वीडियो था वो था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, राइट? जो तुमने 10th में नहीं 8th में भी पढ़ा हुआ है। पहले 8th में भी चैप्टर था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और उसमें भी तुमने ये फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ी हुई है। बट फिजिकल प्रॉपर्टीज तो कॉमन है और वो सबको याद रहती है, राइट? जैसे मेटल्स आर मैलेबल, मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, मेटल्स आर दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, दे आर सोनोरस, राइट? ये सारी चीजें तुमको ऑलरेडी पता है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है, वो भी तुम्हें पता होने चाहिए। जैसे कि सोडियम इज एन एक्सेप्शन, इट इज अ वेरी सॉफ्ट मेटल, इट कैन बी कट विद अ नाइफ। ऑल्सो इट इज हाईली रिएक्टिव, सो इट इज ऑलवेज स्टोर्ड अंडर केरोसिन। इफ इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन इट कैचेस फायर, राइट? ये सारी बेसिक चीजें आई थिंक, आई होप कि तुमको पता है मेटल्स के बारे में। नॉन मेटल्स बिल्कुल मेटल्स के ऑपोजिट होते हैं। नॉन मेटल्स के सबसे पहले मैं बात करूं तो स्टेट, दे कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस स्टेट। दे आर वेरी फ्यू इन नंबर्स। इन पीरियोडिक टेबल यू हैव मोस्टली मेटल्स, नॉन मेटल्स आर वेरी फ्यू इन नंबर्स, राइट? देर इज ओनली वन लिक्विड नॉन मेटल। कैन एनी वन नेम ओनली वन लिक्विड नॉन मेटल? यस, या एनी वन, एनी वन, प्लीज टेल मी। सिर्फ एक लिक्विड नॉन मेटल है। यस सर प्लीज। मर्क्यूरी नहीं, वो तो मेटल है, सर ब्रोमीन ब्रोमीन। यस, ब्रोमीन इज द करेक्ट आंसर। या ब्रोमीन ब्रोमीन, या इट इज अ डार्क, इट इज ऑरेंजिश, डार्क ब्राउनिश लिक्विड, नॉट डार्क ब्राउन, ऑरेंजिश ब्राउनिश लिक्विड। ब्रोमीन के वेपर्स भी होता है, रेडिश ब्राउनिश कलर के, ठीक है? सो ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल विच इज लिक्विड, बाकी मोस्टली गैसेस और सॉलिड्स होते हैं। सल्फर सॉलिड है, येलो कलर का होता है। सो नॉन मेटल्स जनरली कलरफुल होते हैं, दे आर जनरली कलरफुल, बट मेटल्स दे आर मोस्टली इन मेटालिक कलर, मतलब या तो सिल्वरिश ग्रेइश कलर के होंगे या तो रेडिश ब्राउनिश कलर के होंगे, जैसे कॉपर है और गोल्ड है, ठीक है? कोई फिजिकल प्रॉपर्टी में तुम्हें डाउट है? यू हैव डाउट इन एनी ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स? बिकॉज दैट इज अ वेरी बेसिक थिंग। एक्सेप्शन याद करना, एमसीक्यूज है तुम्हारा, दिस एग्जाम इज एमसीक्यू, राइट, विच इज गोइंग ऑन, तो तुम्हें इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए। फॉर दैट तुम्हें ये सारे एक्सेप्शंस लर्न करने पड़ेंगे, जो भी प्रॉपर्टीज के एक्सेप्शंस है, दैट यू हैव टू लर्न वेरी नाइसली। ओके, उसके बाद आते हैं उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर। ये पहला क्वेश्चन जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमेशा याद रखना कि जो मेटल्स होते हैं ना, उसके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल्स ऑलवेज हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। कनिष्का, कैन यू ट्राई टू स्पीक? आई वॉन्ट टू सी दैट इफ आई कैन हियर यू और नॉट। नो, यू आर म्यूट, यू आर ऑन म्यूट। यू आर नॉट एबल टू अनम्यूट आई थिंक। ओके, नो प्रॉब्लम, यू कैन टाइप इन वॉट एवर योर क्वेरी, यू कैन टाइप इन, ठीक है? ओके, सो मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल्स हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। वॉट अबाउट नॉन मेटल्स? सर 4 to 8 यस, 4 to 7 यू कैन से, बिकॉज जो नोबल गैसेस है ना, उसको दे आर नॉन मेटल्स बट दे आर नॉट टिपिकल नॉन मेटल्स। सो वी कैन से दैट द नोबल गैसेस आर डिफरेंट फ्रॉम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। डू नॉट कंसिडर देम इन द कैटेगरी ऑफ नॉन मेटल्स। नोबल गैसेस आर अनरिएक्टिव एलिमेंट्स। तो नॉन मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं।
बट मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं. कैन एनी वन टेल मी अबाउट द वैलेंसीज ऑफ मेटल्स? मेटल्स की वैलेंसी क्या होती है? नाइन्थ में पढ़ा है तुम लोगों ने. वैलेंसी ऑफ मेटल्स यू हैव स्टडीड इन क्लास 9. सर माइनस मेटल्स डोनेट इलेक्ट्रॉन्स. सिंस दे हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, दे कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स बाय प्लस डो यस एग्जैक्टली. सो बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स दे बिकम पॉजिटिवली चार्ज आयन्स. सो मेटल्स ऑलवेज फॉर्म पॉजिटिव आयन्स. इसलिए मेटल्स की वैलेंसी हमेशा 1, 2 या 3 होती है. प्लस 1, 1+, 2+ और 3+. कोई एक मेटल बताओ जिसकी वैलेंसी 1+ है. टेल मी अ एग्जांपल ऑफ अ मेटल हुज वैलेंसी इज 1+. बहुत ही कॉमन है. भूल गए, सब लोग भूल गए नाइन्थ में क्या पढ़ा था. सोडियम. वेरी गुड. Na+. Na+. यस यू आर करेक्ट सर. सोडियम. सोडियम यस यू आर करेक्ट. कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी मृणमयी? कैन यू हियर मी? सर एक्चुअली इट इज लिटिल बिट लैगिंग, लाइक योर वॉइस इज कमिंग फर्स्ट एंड देन द एक्शंस. ओ इज इट सेम फॉर एवरीवन? नो मृणमयी, आई डोंट नो. आई कैन हियर यू वेरी क्लियरली. वॉइस एक्शन ऑल सिंक्ड. मे बी लॉग आउट एंड लॉग इन अगेन. मैम सर इवन आई कैन हियर यू वेरी क्लियरली बट योर वॉइस इज कमिंग बिफोर. अच्छा आई विल जस्ट ट्राई. या लॉग आउट एंड लॉग इन. ओके पोटेशियम सोडियम करेक्ट करेक्ट. पोटेशियम सोडियम ये सबकी वैलेंसी 1+ है बिकॉज दे डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट शेल एंड दे बिकम स्टेबल. दे अचीव एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लाइक देयर नियरेस्ट नोबल गैसेस. ये सारी चीजें ना हमने पढ़ी हुई है बॉन्डिंग में. इनफैक्ट नाइन्थ में पढ़ी हुई है ये. बट आई वुड लाइक टू शो यू विद द हेल्प ऑफ अ पीरियोडिक टेबल. लेट मी गेट अ पीरियोडिक टेबल फॉर यू. Can you see it clearly? Yes, yes, sir. Can you see the periodic table, Mrinmayi? Yes, sir. Now, now the sync is okay. Action, voice. A little bit still there. Oh. Like your voice is coming before and then the actions. It's strange, yeah. Okay, koi baat nahi. Just listen to me then. You can ignore my actions. Yes, sir. Okay, okay, okay. So, ये जो तुम्हें first column दिख रही है, पहले hydrogen है, फिर lithium है, फिर sodium, potassium, H, L, I, N, A, K, R, B, C, S, F, R, red color में है. Do you see that? The first column. ये सारे metals हैं. They are all metals. And ये सबकी valency है 1+. ये सबकी वैलेंसी 1+ है ठीक है. अच्छा उसके बाद ये येलो वाला कॉलम देख रहे हो, सेकंड कॉलम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम, रेडियम.
दैट इज इन द सेकेंड कॉलम, सेकेंड ग्रुप, ये सबकी वैलेंसी 2+ है। अच्छा, जब मैं बोलता हूँ वैलेंसी 1+ है, इसका मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब होता है कि दे डोनेट वन इलेक्ट्रॉन ईच फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट शेल एंड दे अचीव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जस्ट लाइक देयर नियरेस्ट नोबल गैस। अब मैं तुम्हें थोड़ा और इसको जूम इन करके दिखाता हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इतना क्लियर नहीं है बट या यू विल बी एबल टू सी। तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे सोडियम के ऊपर क्या नंबर लिखा हुआ है, उसका एटॉमिक नंबर? यस इट इज 11, करेक्ट, इट इज 11। सोडियम के ऊपर जो नंबर लिखा है उसका वो क्या है? 11। इसका मतलब क्या है पता है? 11 का मतलब क्या है? यस एटॉमिक नंबर यस इट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम। व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक नंबर? व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नो, दैट इज मास नंबर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ यस प्रोटॉन्स। यस यू आर राइट। एटॉमिक नंबर का सिंबल होता है जेड, जिसका मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दोनों। ठीक है, मतलब सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 11। कितने प्रोटॉन है? 11, राइट। कैन यू फिगर आउट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम? मतलब ये इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? हाउ आर दे डिस्ट्रीब्यूटेड? 2.7.2, नो, कुछ भी मत बोल रहे मेरे भाई। 2.8.1, 2.8.1, 281, 281, यस, पार्थ इज ऑल्सो एग्रीइंग, यस, 281, 281, एवरीवन एग्रीज विद 281। ओके, 281 अगर है तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? वन वन इलेक्ट्रॉन, वन वन इलेक्ट्रॉन। अभी देखो क्या क्या होता है। मैं थोड़ा इसको जूम आउट करके दिखाता हूँ। सोडियम का जो रोल नंबर है वो 11 है, राइट, मतलब एटॉमिक नंबर, मतलब उसका रैंक। सोडियम से जस्ट पहले देखो कौन है, ऊपर वाली रो में लास्ट वाला जो मेरा, जहां पे मेरा कर्सर है, कैन यू सी दैट? कौन है ये? हु इज हियर? नियॉन नियॉन। ये नियॉन पिंक, पिंक में है ना, ये नियॉन पिंक में है ना, ये सारे पिंक वाले देख रहे हो तुम, लास्ट वाले, दे आर ऑल नोबल गैसेस, दे आर ऑल नोबल गैसेस, दे आर नीदर मेटल्स नॉर नॉन मेटल्स, दे आर नोबल गैसेस एंड दे आर आउटर मोस्ट शेल इज कंप्लीटली फिल्ड। अब ये सोडियम से जस्ट पहले है, सोडियम का नेबर है ये, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक, उसका एटॉमिक नंबर क्या है? टेन ओके, वेरी गुड। और उसके उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है टेन और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2.8 वेरी गुड, 2.8। अच्छा, सो क्या उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है? यस सर पार्थ, यस इट इज कंप्लीटली फिल्ड। नियॉन का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है। आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड का क्या मतलब है पता है? आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। कितने हैं? 8 है। आउटर मोस्ट शेल में अगर फर्स्ट शेल है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, लेकिन अगर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, आगे कितने भी शेल्स हैं अगर, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 8 ही होंगे, 8 ही होंगे। तो नियॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 8। क्या उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है? यस। क्या उसको किसी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? नहीं। क्या उसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है? नहीं, मतलब वो परफेक्टली जैसा है वैसा वो खुश है। इट इज बैलेंस्ड, इट्स आउटर मोस्ट शेल इज कंप्लीटली फिल्ड, और ना तो उसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए ना उसको डोनेट करना है। ठीक है, सो मतलब इट इज केमिकली स्टेबल। और इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को क्या बोलते हैं? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये नोबल गैस उसी के लिए जाने जाते हैं बिकॉज दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन।
ठीक है, नोबल गैसेस के पास क्या होता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन हम किसकी बात कर रहे थे, नियॉन तो चलो ठीक है स्टेबल है, नियॉन आर्गॉन हीलियम नियॉन आर्गॉन क्रिप्टॉन ज़ेनॉन रेडॉन ये सब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नोबल गैसेस। वी वर टॉकिंग अबाउट सोडियम, डू यू रिमेम्बर, वी वर टॉकिंग अबाउट सोडियम। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में वन इलेक्ट्रॉन है। अब सोडियम क्या बोलेगा कि मुझे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना है, तो जनरली टेंडेंसी कैसी होती है पता है, कि वो अपने नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने की कोशिश करता है। इट ट्राइज टू बिकम लाइक इट्स नियरेस्ट नोबल गैस। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत ही कॉमन सेंस है, यहाँ पे नोट करो प्लीज। ये सोडियम है, इसका रोल नंबर 11 है, मतलब एटॉमिक नंबर। उससे पहले आता है नियॉन जिसका एटॉमिक नंबर 10 है, और उसी की लाइन में सोडियम के सेम रो में आगे आता है आर्गन, नियॉन के नीचे दिख रहा है आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर है 18, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 288, 288, ठीक है, उसका भी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है। सो सोडियम के लिए किसके जैसा बनना इजी होगा, नियॉन जैसे बनना इजी होगा या आर्गन जैसे बनना इजी होगा? नियॉन, नियॉन यस यस यस, इट फॉर सोडियम इट विल बी इजियर टू बिकम लाइक नियॉन। सोडियम के लिए नियॉन जैसा बनना इजी होगा क्योंकि वो नियरेस्ट नोबल गैस है। अब कैसे पता चला कि सोडियम सोडियम नियॉन से नियरेस्ट है, दोनों का एटॉमिक नंबर देख लो, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, बहुत ही कम गैप है, इनफैक्ट कोई गैप है ही नहीं। सोडियम के जस्ट पहले नियॉन आता है, नियॉन के जस्ट बाद सोडियम आता है, लेकिन सोडियम और आर्गन में बहुत बड़ा गैप है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और आर्गन का 18 है। सो सोडियम के लिए आर्गन जैसा बनना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट सोडियम के लिए नियॉन जैसा बनना इजी होगा। इट इज एन अचीवेबल गोल, सोडियम के लिए नियॉन जैसा बनना इट्स एन अचीवेबल गोल। ठीक है, तो वो कैसे बनेगा, अब देखो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281, नियॉन का है 28। 281 से 28 कैसे बन सकता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दो। सही है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दो। सो व्हेन यू डोनेट वन इलेक्ट्रॉन सोडियम बिकम्स लाइक अ नियॉन। टेल मी व्हाई, वेरी नाइस, कांग्रेचुलेशंस। कैन आई टीच, थैंक यू, यू वांट टू से हाय टू एवरीवन? नो, कम से 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 हाय, से हाय, से हाय, से हेलो टू एवरीवन। वेयर आर यू, सी वेयर आर, हियर यू आर, ओके। तो सोडियम वॉन्ट्स टू बिकम लाइक नियॉन एंड इट कैन इजिली बिकम बाय डोनेटिंग वन इलेक्ट्रॉन। डोनेटिंग वन इलेक्ट्रॉन, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डोनेटिंग वन इलेक्ट्रॉन, वो एक इलेक्ट्रॉन वो गिव अवे करेगा, जिसको जरूरत है वो ले सकता है। इट इज इट विल जस्ट गिव इट अवे, इट डज नॉट रिक्वायर इट, सो दैट्स वाई इट विल डोनेट इट। डोनेट मतलब उसको बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है, तो वो डोनेट कर देगा उसको, जिसको भी जरूरत है वो उसको ले सकता है। ओके, नाउ एज सुन एज इट डोनेट्स, एक चीज होती है, एज सुन एज इट डोनेट्स, एज सुन एज सोडियम डोनेट्स वन इलेक्ट्रॉन, सोडियम के एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे। डू यू एक्नॉलेज दैट, पहले 11 थे ना, एक तो डोनेट कर दिया, अब 10 हो जाएंगे। लेकिन प्रोटॉन डोनेट नहीं हो सकते, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है, तो प्रोटॉन्स 11 ही रहेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी स्टिल 11, इलेक्ट्रॉन्स विल बी 10। हु इज मोर, हु इज हायर? प्रोटॉन इज हायर देन द इलेक्ट्रॉन बाय हाउ मच, बाय हाउ मच? बाय वन, बाय वन मीन्स वन प्रोटॉन इज मोर देन देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसीलिए जो चार्ज है ना, द चार्ज ऑन सोडियम इट इज 1+ बिकॉज ऑफ दैट एक्सेस एक्स्ट्रा प्रोटॉन, और बिकॉज ऑफ द डेफिसिट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। पहले न्यूट्रल था सोडियम, पहले न्यूट्रल था, अब पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो कितना पॉजिटिव चार्ज आ गया उसके ऊपर, 1+। इसलिए बोलते हैं कि सोडियम की वैलेंसी 1+ है। अब समझ में आया सोडियम की वैलेंसी 1+ का मतलब क्या है?
वैसे ही पोटेशियम की वैलेंसी भी 1+ है, लेकिन मैग्नीशियम की वैलेंसी 2+ है। क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो डोनेट कर देगा। वाई? बिकॉज इट ऑल्सो वॉन्ट्स टू बिकम लाइक नियॉन। मैग्नीशियम भी नियॉन जैसा बनना चाहता है। मैग्नीशियम के लिए भी नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन ही है, राइट? तो वो मैग्नीशियम नियॉन के जैसे बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, नियॉन जैसा बन जाएगा, एंड इट विल अचीव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन, दैट इज फॉर मैग्नीशियम। अच्छा, ये सारे जो एलिमेंट्स है, चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल हो, वो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी अचीव करना चाहते हैं, और इसीलिए दे ट्राई टू चेंज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन देयर आउटर मोस्ट शेल टू अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो फॉर दैट दे डोनेट और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। सो जो जनरल ट्रेंड है उसकी बात करता हूँ। मेटल्स दे ऑलवेज डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स। नॉन मेटल्स दे ऑलवेज एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, नॉन मेटल हैव वन मोर सुपर पावर, दैट इज दे कैन ऑल्सो शेयर इलेक्ट्रॉन्स अमोंग देमसेल्व्स। नॉन मेटल शेयर भी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, और ये कैसे करते हैं इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे आराम से। बट नॉन मेटल्स के आर एबल टू शेयर द इलेक्ट्रॉन्स एज वेल, ठीक है? बिकॉज अपार्ट फ्रॉम गेनिंग इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑल्सो इज वन मोर ऑप्शन विच इज ओपन टू देम। मेटल्स कैन ओनली डोनेट, मेटल्स कैन नॉट शेयर, दे कैन ओनली डोनेट। नॉन मेटल्स कैन गेन एज वेल एज शेयर। ओके, तो अगर ये सारा नॉलेज हम लोग ध्यान में रख के इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर मेटल्स एंड हाउ कैन यू फाइंड आउट? सी, आई वुड वॉन्ट यू टू लुक एट द नंबर विच इज स्मॉलर आउट ऑफ द टू नंबर प्रेजेंटेड इन द सुपरस्क्रिप्ट एंड द सबस्क्रिप्ट। तुम्हें एक्स दिख रहा है? एक्स एक्स दिख रहा है सबको? यू नो व्हाट इज एक्स? एक्स इज द नेम ऑफ द एलिमेंट, व्हिच इज नॉट एन एलिमेंट इन रियल, इट इज जस्ट एक्स वाई जेड, सम रैंडम एलिमेंट, ठीक है? एक्स के लेफ्ट साइड में ऊपर एक नंबर दिख रहा है, 24 दिख रहा है, उसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट मतलब जो ऊपर लिखते हैं, और जो नीचे नंबर दिख रहा है 12, उसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। सब, SUB, सब स्क्रिप्ट, ऊपर जो लिखा है सुपर स्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट में जो नंबर है वो छोटा है, एंड दैट इज द एटॉमिक नंबर, दैट इज द एटॉमिक नंबर। सुपर स्क्रिप्ट में जो नंबर लिखा है वो बड़ा है, दैट इज द मास नंबर। सो मास नंबर ऊपर होता है, एटॉमिक नंबर नीचे होता है, हमेशा याद रखना। नाउ वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग इन दिस चैप्टर विद द मास नंबर। मास नंबर का यहाँ कोई काम नहीं है, अपने को किस पे ध्यान देना है? एटॉमिक नंबर पे। डू यू सी एटॉमिक नंबर ऑफ एक्स? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एक्स? 12। ओके, सो वी नो दैट इट हैज 12 इलेक्ट्रॉन्स, है ना? उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 12 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ। 2,8,2। परफेक्ट, पहले शेल में 2, सेकंड शेल में 8, 10 हो गए, 2 बचे, तो उसको थर्ड शेल में डाल दो, 2,8,2। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? टू 2। वेरी गुड। तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या बताते हैं? ये मेटल है या नॉन मेटल है? मेटल मेटल, क्योंकि मेटल मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये एक मेटल है। अच्छा, मुझे बताओ कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या एक्सेप्ट करेगा या शेयर करेगा? डोनेट डोनेट करेगा, ऑफ कोर्स, 2 इलेक्ट्रॉन है तो और कुछ नहीं हो सकता, डोनेट हो सकता है। अच्छा, मुझे बताओ, अगर डोनेट करेगा तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? टू प्लस प्लस 2+, वी ऑलवेज से द वैलेंसी इज 2+, ठीक है? तो बताओ वाई क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सीधा अभी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। 2,7 टू कॉमा सेवन वाई का 2,7, राइट? वाई का अगर 2,7 है तो बताओ ये मेटल है या नॉन मेटल है? नॉन मेटल वेरी नॉन गुड। मेटल ये डोनेट करेगा या एक्सेप्ट करेगा या शेयर करेगा? एक्सेप्ट एक्सेप्ट भी कर सकता है, शेयर भी कर सकता है, नॉन मेटल है तो कुछ भी कर सकता है। हाँ, सिर्फ डोनेट नहीं कर सकता, एक्सेप्ट और शेयर दोनों कर सकता है। जेड के बारे में बता सकते हो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,5 2,8,5, यू आर करेक्ट।
और ये मेटल है या नॉन मेटल है? नॉन मेटल अभी समझ में आया ये क्वेश्चन का आंसर यस कैसे लिखना है? ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो बात। सर, शेयर करने में और डोनेट करने में डिफरेंस क्या है? वो बॉन्डिंग जब हम पढ़ेंगे ना, एक्चुअली मैंने तुम्हें बॉन्डिंग का भी वीडियो भेजा है लास्ट वाला। हाँ, लाइक जिसमें आयनिक कंपाउंड्स का, राइट? हाँ, सिर्फ आयोनिक है ना उसमें। ओके, यू डोंट हैव हाँ कोवेलेंट कंपाउंड्स। आई विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। मैं उसके लिए एक अलग वीडियो तुम्हारे साथ शेयर करूंगा जिसमें सिर्फ कोवेलेंट मैंने बताया है। कोवेलेंट इज हाउ नॉन मेटल्स शेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म कंपाउंड्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर इज अ कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड तो नॉन मेटल और मेटल के बीच में बनते हैं, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड थोड़ा सा अलग है। ठीक है, उसमें शेयरिंग होती है, और वो शेयरिंग कैसे होती है आई विल एक्सप्लेन यू दैट। ओके, ये वाला देखो क्वेश्चन। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। चिन्मय चिन्मय, के यस सर, एल एम का मतलब क्या है? के एल एम सर, शेल्स, यस, दीज आर द शेल नंबर्स, शेल नेम्स। के शेल इज द फर्स्ट शेल, एल इज द सेकेंड शेल, एम इज द थर्ड शेल। ठीक है, के एल एम के नीचे नंबर दिख रहे हैं तुम्हें? 287, दैट इज फॉर एलिमेंट ए। सो व्हाट इज दिस 287? सर इट इज अ नॉन मेटल। नो नो, दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एलिमेंट ए। ठीक है, दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एलिमेंट ए। नाउ टेल मी, या यू टोल्ड मी राइट, यू टोल्ड द आंसर ऑलरेडी, इट इज अ नॉन मेटल। व्हाई डिड यू से इट इज अ नॉन मेटल? सर द आउटर मोस्ट शेल कंसिस्ट ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन। करेक्ट सिद्धि। व्हाट अबाउट बी? मेटल यस, इट इज अ मेटल बिकॉज इट्स आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट शेल हैज वन इलेक्ट्रॉन। पार्थ, व्हाट अबाउट सी? नॉन मेटल, लुक केयरफुली। सॉरी मेटल मेटल। नो, सी, लुक केयरफुली, सी 288। ओके, कनिष्का, सी अभी बताया मैंने, कनिष्का, मृण्मयी, नोबल गैस। इट्स अ नोबल गैस, डोंट कॉल इट अ मेटल और नॉन मेटल। इफ इट्स आउटर मोस्ट शेल इज कंप्लीटली फिल्ड, दैट मीन्स इफ इट हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स देन इट्स अ नोबल गैस, इट इज नीदर मेटल नॉर नॉन मेटल। ठीक है, इसको नोबल गैस बोलना है। ओके, चिन्मय, व्हाट अबाउट डी? सर मेटल। वेरी गुड। एंड सिद्धि, व्हाट अबाउट ई? नॉन मेटल। इट इज नॉन मेटल, इट इज हाइड्रोजन। एक्चुअली हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल। सम पीपल वुड थिंक दैट अरे एक ही इलेक्ट्रॉन है मतलब मेटल होगा, ये ऐसा नहीं होता है। वन इज अबाउट हाइड्रोजन एंड इट इज नॉन मेटल, वन ओनली एक्सेप्शन एक्चुअली। वाओ, कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग, अपनी बुक में करो ये। गिविंग यू 5 मिनट्स, कम ऑन। दीज आर फ्रॉम द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, कम ऑन, सॉल्व इट इन योर बुक, देन आई विल शो यू द आंसर, डोंट वरी। यस, मैं गेस करता हूं तुमने क्या लिखा है।
Na plus O2 is Na2O, 2Na2O. 2Na2O, I think होना चाहिए. 2Na2O से ऑक्सीजन बैलेंस हो जाता है, लेकिन सोडियम के आगे 4 लगेगा, है ना? 4 लगाना. 4Na plus O2 gives 2Na2O. 2Na2O. देखते हैं. अच्छा, नेक्स्ट है Na2O plus H2O. मुझे लगता है यहाँ पे बनेगा NaOH. NaOH. 2NaOH. Okay, yeah. 2NaOH. Cu plus HCl. No reaction. No reaction. ये इसलिए no reaction होगा क्योंकि कॉपर जो रिएक्टिविटी सीरीज में है ना, उसकी पोजीशन कॉपर की हाइड्रोजन के नीचे है. ये ध्यान में रखना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करनी पड़ेगी. कॉपर क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे, इट डज नॉट रिएक्ट विद एसिड्स. ठीक है. अच्छा, Cu2+ + Zn. ये नहीं समझ में आया? ये तो इजी है बहुत. रिएक्टिविटी सीरीज का ही है क्वेश्चन. सॉरी सर, मुझे रिडॉक्स रिएक्शन लग रहा है, बट देन समझ नहीं आ रहा. रिडॉक्स रिएक्शन ही है, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स है. मतलब डिस्प्लेसमेंट समझ में आना चाहिए तुम्हें. सी, कॉपर कैन बी डिस्प्लेस्ड बाय जिंक बिकॉज जिंक इज अबव कॉपर इन द रिएक्टिविटी सीरीज. तो क्या क्या होगा पता है? जिंक कॉपर को जब डिस्प्लेस करेगा, जिंक कॉपर को दो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, और जिंक खुद आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इसका जो आंसर है वो कैसे लिखना है तुम्हें, लिख लो, मैं बता रहा हूं तुम्हें. Zn2+ + Cu, इसका आंसर है Zn2+ + Cu. क्या हुआ? जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन खुद के कॉपर को दे दिए. डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना? सॉरी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएगा ना इसमें. एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट ऑफ कंपाउंड भी है ये, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक इक्वेशन है, इसलिए वो पूरा कंपाउंड लिखा नहीं है. मतलब ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर नाइट्रेट है, कौन सा सॉल्ट सोल्यूशन है हमें पता नहीं है. सो वी आर जस्ट राइटिंग इन द आयंस फॉर्म ओनली. ठीक है, तो होगा क्या अल्टीमेटली कि जिंक दो इलेक्ट्रॉन कॉपर को देगा, सो Zn2+ बन जाएगा जिंक, और कॉपर दो इलेक्ट्रॉन लेके Cu बन जाएगा, Cu2+ से Cu. So, इसका आंसर है Zn2+ + Cu. इट कैन बी एनी सॉल्ट सॉल्यूशन, बट द आंसर विल बी सेम. चलो देखते हैं, पहले का आंसर क्या बोला था हमने? 2NaO2, नहीं 2Na2O. Na2O. ओके, और दूसरे का 2NaOH, है ना? यस सर. 2Na2O, 2NaOH, no reaction, and Cu+ Zn2+. सही है? Is it correct, yeah. Everyone? तो रिएक्शन से कुछ पैटर्न से लर्न करने होते हैं, कुछ नॉलेज से याद रखने होते हैं, और कुछ तुम्हें लर्न करने पड़ेंगे. और बैलेंसिंग है तो वो हमने ऑलरेडी टेक्निक सीखी हुई है, बैलेंसिंग कैसे करते हैं. बट रिएक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्दो यू माइट गेट अ क्वेश्चन बैलेंसिंग के ऊपर, एमसीक्यू बेस्ड, तो तुम्हें बैलेंस्ड इक्वेशन चूज करना पड़ेगा, बट बी वेरी वेरी केयरफुल बिकॉज सारे ऑप्शन सिमिलर दिख सकते हैं. ठीक है, तो बैलेंस इट योर सेल्फ एंड देन सेलेक्ट एन ऑप्शन. डोंट जस्ट अज्यूम, मतलब सिर्फ गेस वर्क मत करना ए बी सी डी में से, उसको सॉल्व करना है. ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये एमसीक्यू बेस में आ सकता है. विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन नॉट अकर. अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर मैं बोल रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी हो सकता है when a metal higher above in the reactivity series
reacts with the salt solution of a metal which is lower in the reactivity series. जैसे first equation है, इसमें iron Fe is higher in the reactivity series than copper. First, though, you should know the positions of metals in the reactivity series. कौन higher है, कौन lower है. अगर copper higher है Fe से, Fe higher है copper से, तो copper will get displaced. Fe will displace copper from its salt solution. Right? So CuSO4 plus Fe gives FeSO4 plus Cu. This is a correct reaction. This can occur. ठीक है? What about B? What about B? Can it occur? Yes, sir. Yes, because zinc is higher than Fe in the reactivity series. So it can displace Fe from FeSO4. What about third one? Can it occur? No, third one cannot occur. Why? Because because lead is lower in the reactivity series as compared to zinc. Zinc is higher. So lead cannot displace zinc from its salt solution. What about the fourth one? AgNO3 plus Cu. Give CuNO3 twice plus Ag. Yes, it can occur because copper is above silver in the reactivity series. Reactivity series learn करोगे तो इसका answer दे पाओगे. कौन किसके ऊपर है नीचे उसको तुम्हें याद रखना पड़ेगा. Please learn the reactivity series. I have already discussed in the video. You also have it in your textbook. ठीक है? What about the fourth one? Fifth one. Fifth one. No, it cannot occur. Magnesium is much higher in the reactivity series than copper. Copper नीचे है, तो fifth one cannot occur. Hi Charul, why are you late? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बट अगेन यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स. देखते हैं तुम्हें आता है कि नहीं है. ए बी एंड सी आर थ्री एलिमेंट्स विच अंडरगो केमिकल चेंजेस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशंस. ए टू ओ थ्री प्लस टू बी गिव्स बी टू ओ थ्री प्लस टू ए. ठीक है, 3CSO4 plus 2B gives B2SO4 thrice plus 3C and 3CO plus 2A gives A2O3 plus 3C. बहुत confusing है, क्योंकि elements के नाम नहीं है ना, इसके लिए. Which of these is most reactive? A और B और C में से सबसे ज्यादा reactive कौन सा है, ये पूछा है. Which of these is more reactive? Most reactive. देखो देखो मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं, सुनो मेरी बात. सबसे पहला इक्वेशन है ना, उसको देखो. उसमें उसको देख के ही मुझे समझ में आता है कि B can displace A from its compound with oxygen. B A को displace कर सकता है, मतलब B is more reactive than A. एक चीज समझ में आ गई. ओके, then B can also displace C from its salt solution. See, 3CSO4 plus 2B gives B2SO4 thrice plus 3C. And A can displace C from its salt solution or from its compound. तो इसका मतलब है कि B A को displace कर सकता है, B C को भी displace कर सकता है, और A सिर्फ C को displace कर रहा है. मतलब B is the most reactive. Do you agree? B is the most reactive. अच्छा, which of these is least reactive? देखो, B A को displace कर रहा है, B C को displace कर रहा है, B most reactive है, A C को displace कर रहा है, लेकिन C किसको displace कर रहा है? C किसी को displace नहीं कर रहा है, so C is the least reactive. So arrange these elements in increasing order of their reactivity. मतलब B
नहीं नहीं इंक्री इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी लीस्ट रिएक्टिव टू मोस्ट रिएक्टिव पी ए बी सबसे पहले सी लीस्ट रिएक्टिव फिर ए मीडियम रिएक्टिविटी एंड फिर आएगा बी मोस्ट रिएक्टिव सी ए बी है ना तो क्वेश्चन कंफ्यूजिंग तो दिखता है दिखने में बट व्हेन यू थिंक अबाउट ईच एंड एवरी रिएक्शन सेपरेटली यू कैन इजीली गेट द आंसर लेट्स चेक इफ आवर आंसर मैचेस है ना नहीं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हाँ सही है बी इज मोस्ट रिएक्टिव सी इज लीस्ट रिएक्टिव एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अच्छा ये लोगों ने इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं लिखा है वो लोग ने उल्टा लिखा है बट एक्चुअली दे हैव पुट द करेक्ट साइन ग्रेटर टू ग्रेटर देन साइन है ग्रेटर देन साइन का मतलब क्या होता है कि बी इज द हैज ग्रेटेस्ट रिएक्टिविटी देन कम्स ए देन कम्स सी बट एक्चुअली इंक्रीजिंग ऑर्डर में सी ए बी होना चाहिए On the basis of given reaction, indicate which is the most reactive and least reactive metal out of zinc, copper, and iron. अरे बहुत इजी है यार ये तो जिंक कॉपर आयन भी बोल दिया है लीस्ट रिएक्टिविटी लिख सकता ना डायरेक्टली हाँ डायरेक्ट रिएक्टिविटी सीरीज का यूज करो तो जिंक विल बी द मोस्ट रिएक्टिव देन देन आयन एंड देन कॉपर कॉपर लीस्ट रिएक्टिव जिंक मोस्ट रिएक्टिव क्योंकि आयन कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन and zinc can displace iron from its salt solution so zinc most reactive then iron then copper easy tha ye chalo rapid fire chinmay give an example of a metal which is liquid at room temperature gallium no it has a low melting point but it is not liquid at room temperature mercury yes mercury is correct mrinmay give example of a metal which can be easily cut with a knife sir अभी बताया था शुरुआत में लिथियम पोटेशियम सोडियम तीनों लिथियम सोडियम पोटेशियम सिद्धि विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कॉपर एक्चुअली सिल्वर सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ ओके नेक्स्ट पार्थ Which is the poorest conductor of heat? Lead. Nice. You remember this. I don't know whether I have to check, but yeah, I think you are correct. Kanishka, which is used in electrical appliances? कॉपर एक्चुअली एल्यूमिनियम का यूज होता है लेकिन उससे ज्यादा यूज कॉपर का होता है एंड विच कंबाइंस विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर चारुल चारुल यस सर यस विच कंबाइंस विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर कॉपर डज नॉट कंबाइन विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर सोडियम कंबाइन्स विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर हमने अभी इक्वेशन भी देखा था इससे पहले के पहले क्वेश्चन यस सर
सही है ना, सारे करेक्ट है. कॉपर आल्सो ना आई थिंक बिकॉज़ नो कॉपर नो 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 कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर. कॉपर रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस बट नॉट विद ऑक्सीजन. इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में कॉपर का यूज होता है इसीलिए. राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ आयन विद स्टीम. चलो लिखो लिखो सब लोग. प्लीज राइट दिस. ओके लेट्स चेक द आंसर. आयन विद स्टीम मुझे लगता है कि Fe plus H2O gives FeOH. FeOH thrice या FeOH twice होना चाहिए plus H2 plus H2 शायद. Fe3O4 आएगा ना सर. Fe3O4 या हो सकता है. Yes you are right. Fe3O4 you are right. So Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2 आयन 2-3 ऑक्साइड. प्लीज करेक्ट कर लो जिसने भी नहीं लिखा है. 3Fe plus 4H2O आएगा ना सर. 3Fe plus, हाँ 3Fe plus 4H2 इसको बैलेंस करना है. करेक्ट. कैल्शियम विद वाटर. कैल्शियम विद वाटर में मैंने गलत क्यों किया है? सही तो है. कैल्शियम ऑक्साइड है. CaOH आएगा ना. CaOH होल ट्वाइस. मुझे भी लग रहा है. और पोटेशियम प्लस वाटर 2KOH प्लस H2 तो वो करेक्ट लग रहा है. लेकिन कैल्शियम प्लस वाटर में Ca प्लस 2H2O गिव्स CaOH whole twice plus H2. Yes, you are right. Name two metals which will displace hydrogen from dilute acids and two metals which will not displace hydrogen from dilute acids. मतलब एसिड के साथ रिएक्ट करने वाले दो मेटल और रिएक्ट नहीं करने वाले दो मेटल बताने हैं तुम. विच विल रिएक्ट विद एसिड्स. आयन विल रिएक्ट विद एसिड right and zinc will react with acid. Zinc and iron will react. Which will not react? Copper will not react and silver will not react. Copper and silver will not react. Let's check. Zinc and magnesium likha hai, correct hai. Copper and silver will not react. Wo bhi correct hai. Name a metal which offers higher resistance to the passage of electricity than copper. कॉपर से हाँ सॉरी नहीं नहीं हायर रेजिस्टेंस मतलब नॉट अ गुड कंडक्टर. एल्यूमिनियम हो सकता है, आयन हो सकता है. दे ऑफर हायर रेजिस्टेंस. देयर कंडक्टिविटी इज लोअर देन कॉपर. यहाँ पे वो लोग ने लेड बताया. लेड भी करेक्ट. Name a metal which can melt even in your hand. Yeah. Gallium. Gallium and cesium something. Cesium. Germanium. नहीं, मुझे gallium लग रहा है. To which group of the periodic table does it belong? It belongs to group 3 or 4, I think. ऊपर हमने पीरियोडिक टेबल में देखा था. देखते हैं नीचे आंसर ही देख लेते हैं डायरेक्टली. गैलियम इट बिलोंग्स टू ग्रुप 3A. ग्रुप 3A मतलब हाँ सही है. ग्रुप 3 और 4 ही है. गैलियम हैज अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट. इट कैन मेल्ट इवन इन योर हैंड विथ योर हीट ऑफ योर बॉडी. इट बिलोंग्स टू ग्रुप 3A. Name one non-metal and one metal which are in liquid state at room temperature. Abhi pucha tha main. One non-metal and one metal. Bromine. So, and bromine.
One non-metal which is in liquid state is bromine, and one metal which is in liquid state is mercury. Right? Yes, sir. What type of oxides are formed when non-metals combine with oxygen? This is from the small video which I sent you, chemical properties of non-metals. Non-metal जब ऑक्साइड बनाते हैं तो वो कौन से टाइप के ऑक्साइड्स होते हैं? देखो, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स विल बी एसिडिक इन नेचर. एग्जैक्टली, कोई भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, जैसे कार्बन, कार्बन का ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड को जैसे ही मैं वाटर में डिजोल्व करता हूँ इट फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड. एंड सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड, इट फॉर्म्स सल्फ्यूरस एसिड. राइट, सो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर ऑलवेज एसिडिक इन नेचर. वॉट आर स्ट्रेटेजिक मेटल्स? गिव एन एग्जाम्पल. मेरे को नहीं पता है, स्ट्रेटेजिक मेटल्स पता है तुमको? कनिष्का को पता है शायद. सर, टाइटेनियम, क्रोमियम. व्हाई? मतलब क्यों? दे आर यूज्ड. हाँ, यस, यूज्ड इन डिफेंस एंड द इकोनॉमी ऑफ कंट्री. ओह, देखते हैं आंसर. स्टेट द रीजन फॉर द फॉलोइंग बिहेवियर ऑफ जिंक. ऑन प्लेसिंग अ पीस ऑफ जिंक इन अ सॉल्यूशन ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड it acquires a shiny silvery surface, but when it is placed in a solution of magnesium sulfate no change is observed. ye reactivity series ke upar hai. since zinc is more reactive than mercury it displaces mercury from its salt solution, but since zinc is less reactive than magnesium it has no change when it is placed in magnesium salt solution. देखते हैं आंसर. द मेटल्स विच आर एसेंशियल फॉर कंट्रीज इकोनॉमी और इट्स डिफेंस आर कॉल्ड स्ट्रेटेजिक मेटल्स. दीज मेटल्स एंड देयर अलॉयज आर यूज इन एटॉमिक एनर्जी, स्पेस साइंस प्रोजेक्ट्स, जेट इंजिन्स, हाई ग्रेड स्टील्स, फॉर एग्जाम्पल टाइटेनियम. देखो फिर नेक्स्ट वाला, देखो करेक्ट था चिन्मय. नेक्स्ट इज zinc displaces mercury from its salt solution because zinc is more reactive than mercury. its position is above mercury in the reactivity series. But zinc does not displace magnesium from its salt solution because magnesium is above zinc and more reactive than zinc. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. गिव एम वॉट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एंड गिव एग्जाम्पल्स. वेरी नाइस क्वेश्चन. What are amphoteric oxides? Show the which behaves as acidic as well as basic are known as amphoteric. Very good. Oxides. Example. Zinc oxide. And. Aluminium oxide. Yes, very good. Zinc and aluminium oxides are amphoteric oxides because they have basic as well as acidic characters. They react with acids as well as with bases. I want you to write chemical balance chemical equation for this. Explanation also you have to give. Come on, write a balance chemical equation.